दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में खेले गए रोमांचक मुकाबले में केकेआर का प्रदर्शन तो इतना शानदार रहा कि राजस्थान को पूरी तरह से घुटनों पर झुका दिया और इस मुकाबले में ऐतिहासिक जीत दर्ज की, जिसके बाद मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें रोहित ने अभी भी मुंबई इंडियंस की तरफ से प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने की बात का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी है। चलिए बताते हैं आपको रोहित शर्मा ने अपने बयान में क्या कहा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि प्ले ऑफ में पहुंचने वाली वो चौथी टीम कौन सी होगी, मुंबई इंडियंस या फिर कोलकाता नाइट राइडर्स? नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच में मुकाबला खेला गया, जिसमें केकेआर के लिहाज से जीत जरूरी थी, तो वहीं मुंबई इंडियंस तो यही चाहती थी कि कोलकाता नाइट राइडर्स मुकाबले को हार जाए, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस वो चौथी टीम बन जाए जो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर लेगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी इस मुकाबले में बेहद ही शानदार रही। कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 171 रन बनाए और 172 रनों की चुनौती राजस्थान रॉयल्स के सामने रखी, जो कि काफी मुश्किल नजर आ रही थी, और कोलकाता नाइट राइडर्स के गेंदबाजों ने ऐसा करके दिखाया कि शुरुआत से ही राजस्थान की टीम को बिल्कुल भी पनपने नहीं दिया और एक के बाद एक लगातार विकेट गिरते रहे। हालात कितने ज्यादा गंभीर हो चुके थे इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 35 रन के स्कोर पर ही आधी टीम राजस्थान की वापस पवेलियन लौट चुकी थी और अंत में राहुल तेवतिया ने 44 रनों की पारी जरूर खेली, लेकिन उसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स की टीम 85 रन पर पहुंच सकी और इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सका, जिसके बाद केकेआर की टीम ने इस मुकाबले को 86 रन से जीत लिया। तो वहीं मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा का भी बड़ा बयान सामने आया। रोहित शर्मा ने कहा कि वैसे हमारी टीम के लिहाज से हम चाहते थे कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इस मुकाबले को हारे, अगर केकेआर की टीम हारती तो जाहिर सी बात है उनका रन रेट भी खराब होता और हमारी टीम के पास मौका होता चेन्नई से हैदराबाद जैसी हल्की टीम को हराने का, क्योंकि जिस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अभी तक आईपीएल में प्रदर्शन करके दिखाया है, उसको देखते हुए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी टीम हैदराबाद के ऊपर एक विशाल जीत हासिल कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने इस मुकाबले को जीतकर हमारी मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। अब हमें और बेहतर नेट रन रेट के साथ इस मुकाबले को जीतना होगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि अगर हमारी टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो हम लगभग 250 रनों का स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के सामने रखेंगे, क्योंकि हमारी टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी वैसे तो काफी मजबूत है और शुरुआती बल्लेबाज अगर टीम को एक बेहतर शुरुआत दिला देंगे तो ये कहना गलत नहीं होगा कि टीम 250 रन तक आराम से बना सकती है, जबकि उसके बाद गेंदबाजों को ध्यान में रखते हुए यही कोशिश करेंगे कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को लगभग 80 रन के अंदर ऑल आउट करें, क्योंकि एक बड़े लक्ष्य को जब कोई टीम चेस करती है तो उन पर भी दबाव काफी ज्यादा होता है और तेज बल्लेबाजी करने की वजह से उनके विकेट्स भी जल्दी गिरते हैं, इसीलिए हमारे पास मौका होगा सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को बड़े मार्जिन से हराकर आईपीएल 2021 के प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने का। वैसे दोस्तों, जिस तरह से रोहित शर्मा ने अपने बयान में मुंबई इंडियंस की टीम को प्ले ऑफ में पहुंचाने की बात कही, आप सभी को क्या लगता है कि क्या रोहित शर्मा अपनी टीम मुंबई इंडियंस को प्ले ऑफ में पहुंचा पाएंगे या फिर नहीं? इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।